हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 36 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था श्वानु ने अपनी बॉडी विंग के हवाले कर दी थी, जिसके बाद विंग की आँख इलिंग टेंपल के कुछ डिसाइपल्स के सामने खुली थी। तभी वहाँ पर बावशन शरण आती है। वो डिसाइपल्स अभी भी विंग से कह रहे थे, कौनसा कुछ हुआ है क्या? हमें कुछ तो हलचल महसूस हुई है। हमारी एक टुकड़ी वो ढूंढने के लिए गई भी है, पर हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वो सभी विंग की तरफ ही देख रहे थे, उसकी आंखों की तरफ। और विंग यहाँ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने अपनी डिजी पर अपनी पकड़ कस ली थी, बस ये सोचकर कि कम से कम ये बांसुरी तो उसके हाथ में है, मतलब वो अभी भी होश में है। तभी वहाँ पर शिजुन की आवाज़ आने लगी। वो लगभग दौड़ते हुए वहाँ तक आ रही थी। तभी वो चिल्लाई, आया, पर उनकी आवाज़ बीच में ही रुक गई और विंग उनकी तरफ देखने लगा। जब दोनों की आंखें मिली, शिजुन का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, होंठ कांपने लगे थे। वो चिल्ला रही थी, ओ नो, नहीं नहीं नहीं, और विंग बस हंस रहा था क्योंकि हर कोई उसकी तरफ देख रहा था घूर घूर के, हर कोई, पर कोई भी नहीं मर रहा था और ये काम कर गया था। निहाओ, वो सबसे कह रहा था। उसकी आवाज़ बड़ी गहरी थी, जैसे वो अपना आकार लेने की कोशिश कर रही हो। विंग कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब तक हमने ठीक से जान पहचान भी नहीं की। मेरा नाम विंग है, वो पूरे दल के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता हुआ बोला। अपने हाथ में बांसुरी घुमाने लगा, आगे बोलने लगा, मैं यहाँ पर ताइजी की तरफ से एक खबर लेकर आया हूँ कि सारी चीज़ें अब से बदलने वाली है। विंग ने अभी भी अपने बाल उसी रेड रिबन से बांधे थे जिस पर अभी भी श्वानों का खून लगा था। दृश्य बदला, विंग बिल्कुल शांत था। वो रियलिटी में वापस आ चुके थे। वांग जी अभी भी उसकी बाहों में था। बहुत देर से पानी में होने की वजह से वांग जी को अब परेशानी होने लगी थी। अब उसे समझ आ गया था, ये जगह उसके हस्बैंड की है, उनकी सेफ प्लेस, पर साथ ही उनकी कैद भी। उसे तुरंत आनियांग का ख्याल आया, जो अपने जेंटियान हाउस में ऐसे ही कैद थी, जो हमेशा खिड़की से बाहर खिलते हुए फूलों को ताकते रहती थी पर कभी भी उन्हें छू नहीं सकती थी। वांगजी ने विंग को फिर से एक बार कसकर पकड़ लिया, पर तभी उसे समझ आया वो रो रहा है, बस आंखों से आंसू गिर रहे हैं और नीचे के पानी में मिलते जा रहे हैं। विंग, वांगजी ने उसे पुकारा। वो उसके ब्लैक स्कल पर लगातार किस करते हुए पुकारने लगा, विंग, विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कांपते हुए बोला, लांझान, बहुत बहुत समय हो गया है, मैंने इस दर्द को हमेशा अपने अंदर छुपा कर रखा और तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। पर तभी वांगजी ने कहा, क्या आप आगे बढ़ पाए? इस पर विंग ने बस एक आवाज़ की, जैसे वो उस सवाल को समझ नहीं पाया। वांगजी ने फिर से एक बार पूछा, क्या आप इस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो? कुछ देर तक कोई भी आवाज़ नहीं हुई, बस गिरते हुए पानी की आवाज़ हो रही थी। अचानक से विंग बुदबुदाया, अयो लांझा, बार बार मेरी कमजोरियों को दिखाने की कोशिश मत करो ना। उसने अपना चेहरा वांगजी के बालों में और अंदर खिसकाया। तो वांगजी ने बस मैं जवाब दिया और फिर अपने हाथों से विंग के नेक के स्कल को सहलाने लगा। वो जानता था विंग ऐसा बंदा नहीं है जो कुछ भी भूल सकता है, वो कभी इन यादों को अपने से अलग नहीं करेगा। उन यादों में उस दर्द को उसके हस्बैंड के छी एनर्जी में वो अभी भी महसूस कर पा रहा था। हाँ, कभी कभी वो सप्रेस होती थी, पर जब भी वांग जी उस बारे में पूछता था, उसे समझ आता था
उन यादों की परछाई विंग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जब एसीटी में उसका शरीर ख़त्म हो गया, क्या इसका मतलब? वांगजी ने पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जवाब पता है, फिर भी वो उसे विंग के मुंह से सुनना चाहता है। तब विंग ने सहाय किया और कहा, जब मैं उस डेमॉन फ्लाई से लौट रहा था तब मेरे अंदर का वो कर्स एक्टिवेट हुआ और इस वजह से मुझे उसे ब्रेक करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। इस चक्कर में मेरी उस फॉक्स स्पिरिट बॉडी से मेरी ओथ भी हट गई जिससे शुआनियो आज़ाद हुआ। इसका मतलब है अब मैं उस फॉर्म में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अब वो हमेशा के लिए चला गया है। फांगजी ने अब अपने हस्बैंड को और भी कसकर पकड़ लिया। उसे अपने हस्बैंड के अंदर वो शार्प पेन अभी भी महसूस हो रहा था। वांगजी ने माफ़ी मांगनी चाहिए विंग पर, विंग ने कहा, माफ़ी मत मांगो, यही आयु चाहता था। वो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था मेरे ख्याल से, विंग बुदबुदाया। तो वांगजी ने कहा, वो तुम्हारा भाई था, मैं भी उसकी इज्जत करता था। वांगजी ये बात अपने दिल से कह रहा था। उसने कहा, क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसका पुनर्जन्म भी हो गया होगा? वांगजी बुदबुदा रहा था। वो जानता था विंग हर किसी के सोल एसेंस को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसे आशा थी एक ना एक दिन विंग अपने इस दोस्त को दोबारा ज़रूर पा लेगा, बिल्कुल अपने उसी फॉक्स स्पिरिट के साथ। हो सकता है इससे उसका वो दर्द गिल्ट कम हो जाए। नहीं, अभी नहीं, पहले तो मैं तुम्हें ढूंढने के पीछे था और उसके बाद मेरा यिन इम्बैलेंस, उसके बाद तो मैं जियांग चिंग से मिला। तुम्हें पता है वो जियांग ची का रीइनकार्नेशन है जो मेरे पिता के बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे शिशु। हाँ, ये अलग बात है कि वो मेरी माँ के साथ मिलकर मेरे पिताजी को बहुत डराया करते थे, पर उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे इसलिए मैं भी उनका पसंदीदा था। कितनी मजाकिया बात है, उतनी ही अजीब भी। जब भी मैं जियांग चिंग से बात करता हूँ मुझे उसमें अपने अंकल नज़र आते हैं और इसीलिए मुझे हमेशा आयु का ख्याल भी आता है, पर अभी तक बस मैं उसे ढूंढने नहीं जा पाया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर भी था कि कहीं उस स्पेल की वजह से उसका रीइंकार्नेशन कभी हो ही नहीं सकता हो, पर अगर ये सच हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं समझ सकता हूँ, वांगजी बुदबुदाया। अब वो अपने हस्बैंड के पीठ पर खरोंचने लगा जिससे वो क्रोन करने लगे और भी सुकून से, और वांगजी के ऊपर और अपना शरीर जकड़ने लगे। वांगजी भी समझ गया अभी विंग इस बात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी उसके घाव ताज़ा है। अभी तो वांगजी खुद भी विंग जैसा दोस्त खोने का गम मना रहा था जो उसे इतने अजीब सिचुएशन में मिला और बिछड़ा भी। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल उसके भाई के जैसे थी, उसके माँ की हंसी के जैसे, बसंत में खिलने वाले जेनिटियांस के जैसे, वाइपो के टच के जैसे और हांशी के जलने की स्मेल के जैसे। उसके लिए तो ये छिन जाने का दर्द कभी उससे अलग ही नहीं होगा। विंग का जाना अब उसका एक हिस्सा बन गया था। उसके खालीपन को वांगजी ने गले से लगा लिया था। अब तो बस वो ये दुआ कर रहा था कि जब भी विंग तैयार हो वांगजी उसकी ज़िंदगी के उस खालीपन को वांगजी विंग की ज़िंदगी के उस खालीपन को अपने प्यार से भर देगा। थोड़ी देर बाद बाशन सरन उन्हें देखने के लिए आ गई। उनके आने से पहले ही उनकी ची उन दोनों को महसूस हुई। उस सेंसेशंस ने विंग ने तुरंत वांगजी से अलग होना चाहा और वांगजी ने विंग का खुद को ऐसे पकड़े रखना, उसकी गर्माहट मिस करना शुरू किया जिससे उसके बदन में सरसराहट भी दौड़ गई। माफ़ कीजिए, बाशन सरन ने केव के दरवाजे पर आते ही कहा। उनकी नज़रें अभी भी केव की दीवारों पर ही थी, जैसे कि विंग की तरफ नज़रें करना उन्हें एक कपल की प्राइवेसी में दखल देने जैसा लग रहा था। बाशन सरन ने कहा,
मैं बस हांग वनजुन की पीठ को देखना चाहती थी, आनिंग ने कहा। वो जख्मी हो गए थे। आनिंग कैसा है? वांगजी ने तुरंत पूछा। उसकी नज़रों के सामने तुरंत वो दृश्य आया जब उसने अपने कज़न को उस बैटल ग्राउंड में बेहोश होते हुए देखा था। बाशान सरन ने सहाय करते हुए कहा, अभी ठीक नहीं है, पर वो जिंदा बच जाएगा क्योंकि उसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रांग है, पर उसके जख्मों के अंदर डेमोनिक ब्लड पाया गया है। आचिंग को लगता है उसकी एक बाजू काटनी पड़ेगी और इस बात को उसे सहा नहीं जा रहा। फांग जी की तो जबान हलक तक आ चुकी थी। वो तुरंत पानी से बाहर आ गया। तभी बाशन सरन ने कहा, हांग वनजुन प्लीज़ आपके जख्म। बाशन सरन वांग जी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक विंग की छी एनर्जी ने उसे चारों तरफ से लपेट लिया, जिससे कि वांग जी जल्दबाजी में चलकर अपने जख्म न खोल दे। पीछे से विंग ने भी विस्पर किया, सानर ध्यान से। अब विंग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था, साथ ही अपनी छी एनर्जी से वांग जी को पूरी तरह से स्कैन करके उसने उसके कपड़े और स्किन भी सुखा दी थी। खुले हवा में आने की वजह से वांग जी के जख्मों से फिर से दर्द उठने लगा था। तभी बाशन सर ने विंग से पूछा, क्या तुमने इनके जख्मों में कोई भी डेमोनिक पॉइजन पाया? विंग ने कहा, हाँ ये बहुत अजीब बात है, उसके बदन पर जगह जगह स्क्रैचिंग के निशान हैं, पर कोई भी पॉइजन नहीं है, जैसे कि बस ये खुले जख्म हो। पर तभी विंग कुछ देर के लिए रुका और फिर शिजुन की तरफ देखकर बुदबुदाया, शिजुन चांग चेंग और जिन जूशियान के बारे में क्या? बाशन सरन ने सहाय किया और कहा, वो दोनों भी जिंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फांग जी सोच रहा था बाशन सरन ने कहा कि वो जिंदा बच जाएंगे। यही सोचते हुए वो चिकित्सालय की तरफ जा रहा था। जियांग वानिन और जिन जूशियान दोनों भी पूरी तरह से जल चुके थे। उनके चेहरे शरीर कुछ भी पहचान के लायक नहीं था। वांग जी खुद भी उन्हें देखकर समझ नहीं पा रहा था, पर उनके बचे खुचे रोब्स में एक पर्पल कलर और एक गोल्ड कलर वो देख पाया, जिससे उनके शरीर उसने पहचान लिए। बाशन सरन उन्हें बता रही थी उन दोनों की गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए वो खुद से अपने आप को हील नहीं कर सकते। बाशन सरन और वांग जी के पीछे विंग खड़ा था। उसकी मास्क के वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कितना डर चुका है। वैसे ही पूरे चिकित्सालय में कोलाहल मचा हुआ था। जब वो आए, सारे सेवक उनके सामने घुटनों पर झुक गए, पर विंग खुद भी ये सब नहीं चाहता था। उसने बस हाथ हिलाकर उन्हें अपने काम पर वापस से जुड़ने को कहा। उस चिकित्सालय की हालत किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं थी। हर तरफ खून था और असहाय योद्धा। जब वेंजी की नज़रें वांग जी के पीठ पर थी, वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लानी एक कोने में बैठी थी, अपनी गुचिन पर एक हीलिंग सॉन्ग प्ले कर रही थी। वांग जी को यह समझते देर नहीं लगी, बस एक यही चीज़ है जिससे वेंचिंग अभी तक संभली हुई है। वांग जी ने अभी तक वेंचिंग को इतनी बदतर हालत में कभी नहीं देखा था। वैसे तो उस पर बड़े से बड़े झटके का कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि विंग के ची इम्बैलेंस को भी उसने ट्रीट किया था, तब भी वो इतना परेशान नहीं हुई थी। पर अब ऐसा लग रहा था वेंचिंग की हालत ने उसको झकझोर कर रख दिया है। इधर वेंचिंग खुद होश में था, अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसका एक हाथ पूरे लाल रंग में रंग चुका था। हाथ पर कंधे तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। पलकें भारी हो रही थी। उस दर्द को कम करने के लिए उसे औषधि जो दी गई थी, बियावर्ग। तभी वो वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराया, आप ठीक हो ना? मैं आपके लिए परेशान हो रहा था, विनिंग ने कहा। वांग जी ने बस हाँ में सिर हिलाया और उसके बगल में आकर बैठ गया। वो विनिंग का हाथ तुरंत अपने हाथ में लेता, पर कहीं इससे उसे दर्द ना हो जाए, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। पर वो इससे भी ज़्यादा इस बात से चौंक गया
कि वेंचिंग अपने सिलबट्टे को और भी ज़ोर से चलाने लगी। वो कोई पेस्ट बना रही थी। वो कह रही थी, अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी अपने जख्मों पर ध्यान दो, अभी भी पट्टियाँ बदलना बाकी है। यहाँ आओ पर्दों के पीछे, मेरी असिस्टेंट तुम्हारी पट्टियाँ बदल देंगी। तभी वेंचिंग को वहाँ से बुलाया गया जियान वानिन की तरफ, जो एक्यूपंक्चर नीडल से छेड़खानी करने की वजह से बार बार खून की उल्टियाँ कर रहा था। फेंगजी एक पल के लिए कतराया। ये सारा कोलाहल उसके समझ से परे था। यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतने सारे सेवक काम कर रहे थे, फिर भी उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कोई नहीं था। उसकी पीठ खुली थी। अभी तक वेंजिंग, लान दानिन और उसके वाइफ के अलावा किसी ने उसे इस तरह से नहीं देखा था। हर तरफ पर्दे लगे होने के बावजूद भी अभी वांगजी के पास उसका इलाज करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। और अभी वेंचिंग भी वहाँ से जा चुकी थी, इसका मतलब उसे किसी और को दिखाना पड़ेगा। तभी विंग पीछे से बुदबुदाया, जानर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। विंग ने तुरंत वांगजी की मदद करना शुरू किया, जिससे वांगजी की नज़र जो पर्दे की उस तरफ जियांग वानियन पर थी वो हट गई। विंग ने भी वहाँ पर पड़ी पट्टियाँ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी पीठ पर पट्टियाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और को देखने नहीं दूंगा। वांगजी ने बस हामी सिर हिलाया, राहत की सांस ली। भी उस बेड के चारों तरफ इन एनर्जी की एक डार्क शैडो आ गई, जिसने वांगजी को पूरी तरह से ढक लिया, जिसे वांगजी अपने रोब्स ठीक से हटा पाया। ये जानते हुए कि उसके हस्बैंड के अलावा उसे और कोई नहीं देख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा हो तो मैं कुछ पुरानी बातें दोहरा दूँ। यी सिटी में जब लड़ाई हुई थी उसके बाद जियांग वानियन, जिन झुशियान, वेनिंग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। इसके बाद उन्हें चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया था, पर विंग और वांगजी विंग को हील करने के लिए पैलेस के नीचे के लेक में गए थे, जहाँ पर विंग ने वांगजी को अपनी पुरानी यादें दिखाई, जिसमें उसने श्वानयू मतलब उस नाइन टेल फॉक्स को दिखाया, जिससे रूबरू होने के बाद वो सब जब वापस चिकित्सालय में सबको देखने के लिए आए, साथ ही वांगजी की पट्टियाँ करने के लिए आए, तब चिकित्सालय पूरा मैस हो चुका था। हर तरफ अफरा तफरी थी। इन सबको संभालने की जिम्मेदारी वेंचिंग की थी और वेंचिंग खुद भी अपने होश में नहीं थी, इसलिए लानियू उसे शांत कर रही थी और वेंचिंग के असिस्टेंट और वेंचिंग मिलकर सबका ख्याल रख रही थी। एक पल यहाँ एक पल वहाँ वो सबकी तरफ जा रही थी, इसलिए वांगजी की पट्टियाँ करने के लिए कोई नहीं था, जो काम विंग कर रहा था। तो चलिए जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।